यह गियरबॉक्स संचालित पीटीओ वाटर पंप के लिए एक वीडियो इंस्टॉलेशन और ट्रबल शूटिंग मैनुअल है। ट्रैक्टर स्टैंड को जमीन की सतह पर रखें, ढलाई सतह पर न रखें। ब्रैकेट पर गियर बॉक्स रखें और गियर बॉक्स में सहायक किट में दिए गए एयर ब्रीडर को कनेक्ट करें। गियर बॉक्स रखने के बाद समायोजन और संरेखण के लिए बोल्ट ढीला करें। पंप को स्टैंड पर रखें। स्टैंड पर पंप को रखने के बाद समायोजन और संरेखण के लिए बोल्ट को ढीला करें। त्रिभुज निकला हुआ किनारा संरेखित करें ताकि तीन छेद एक दूसरे का सामना करें। तीन LC बोल्ट डालें। सुनिश्चित करें कि सभी बोल्ट छेद के माध्यम से ढीले रहते हैं। पंप या गियर बॉक्स के तहत एक पैकिंग रखकर आवश्यक होने पर समायोजन करें। अब पहले गियर बॉक्स की नट बोल्ट को कस लें। पंप के नट बोल्ट को तंग करें और पंप को कसने के दौरान याद रखें कि LC बोल्ट ढीले होने चाहिए। अब LC बोल्ट निकालें और एक तरफ रखें। अब सामान किट से एक रबर युग्मन लें और पंप और गियर बॉक्स के त्रिभुज फ्लैंजेस के साथ कनेक्शन करें। गोल वॉशर जोड़ना ना भूलें। फ्लैंज बोल्ट एडजस्ट करके बोल्ट को कस लें। यदि कपलिंग जैम या हार्ट घूम रहा है, पंप या गियर बॉक्स के तहत एक पैकिंग रखकर आवश्यक होने पर समायोजन करें। गियर बॉक्स के शीर्ष पर गियर बॉक्स होल्डिंग क्लैंप फिक्स करें। वायु मोड पाइप से गियर में तेल भरें और तेल स्तर को तेल स्तर की गेज तक बनाए रखें। निचले हिस्से में दिए गए गियर बॉक्स शाफ्ट के साथ PTO शाफ्ट को कनेक्ट करें। गियर बॉक्स और पंप को स्थानांतरित करने के लिए ट्रैक्टर को डिस्कनेक्ट करते समय एक ओर से PTO निकालें। अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित संपर्क विवरण पर संपर्क करें।